इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। केंद्रीय शिक्षा नीति को मेरठ में भाजपा ने ही करीब 135 करोड़ रुपए का झटका लगा दिया। एसटीएफ मेरठ पुलिस के संयुक्त दबिश के बाद करीब 35 करोड़ रुपए की एनसीईआरटी की नकली किताबें बरामद हो गई। इतना सब कुछ हुआ लेकिन भारी मात्रा में किताबें व उनके कवर जला देने में इस काले धंधे से जुड़े लोग सफल रहे। जिस गोदाम से यह किताबें मशीन आदि बरामद हुई वह भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता का है और संपूर्ण फैक्ट्री में जगह जगह लगे होर्डिंग्स इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पार्टी की आड़ में यहाँ कितना बड़ा गोरख धंधा चल रहा था। गंभीर बात यह भी है कि 15 दिन पहले एनसीईआरटी की एक टीम ने मेरठ में 5 स्थानों पर छापेमारी कर नकली किताबें बरामद की थी, लेकिन चर्चा है कि मोहकमपुर स्थित एक ऑफसेट पर बैठकर इस मामले को रफा दफा कर दिया गया। पुलिस संजीव गुप्ता के भतीजे सचिन गुप्ता को तलाश कर रही है। संजीव गुप्ता भाजपा के कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल के खासे करीबी हैं और पूर्व में उनका बेटा सुमित अग्रवाल भी संजीव गुप्ता के साथ पार्टनर रहा है। नकली किताबें छापने के मामले में खासा विवाद होने के बाद कागजों में सुमित अग्रवाल को अलग कर दिया गया था। यह करीब 7 साल पुरानी बात है। बता दें कि एनसीईआरटी के पैनल में देश भर में 112 प्रिंटर्स हैं। एनसीईआरटी इन प्रिंटर्स को कागज में मैटर देती है और ये प्रिंटर्स किताबें छापकर एनसीईआरटी को मुहैया कराते हैं। केंद्र सरकार इन किताबों को कम रेट पर राज्य को वितरित कर देती है। एनसीईआरटी के इस पैनल में सचिन गुप्ता प्रिंटर्स नहीं है, बावजूद इसके यहाँ भारी मात्रा में किताबें बरामद हुई है। बताया यह भी जाता है कि लॉकडाउन के दौरान एनसीईआरटी तो विभिन्न राज्यों को अपनी किताबें नहीं भेज पाया, लेकिन मेरठ से करीब 100 करोड़ रुपए की किताबें वितरित कर दी गई। माना जा रहा है कि करीब 135 करोड़ रुपए की किताबें सचिन गुप्ता एंड कंपनी छाप चुका है। हालत यह है कि एनसीईआरटी के करीब 5 करोड़ किताबें अभी गोदामों में हवा खा रही हैं, जबकि भाजपा से जुड़े ये सभी लोग करीब 135 करोड़ रुपए का झटका केंद्र की शिक्षा नीति व उसके विभाग को लगा चुके हैं। आज दोपहर यह छापा एसटीएफ व मेरठ पुलिस की संयुक्त टीम ने मारा। छापे के बाद प्रतापपुर पुलिस ने एनसीईआरटी के पब्लिकेशन हेड अरुण चितकारा से भी संपर्क किया। कल प्रदेश में 2 दिवसीय लॉकडाउन के कारण अब एनसीईआरटी की टीम सोमवार को मेरठ पहुंचकर यह जांच करेगी कि बरामद माल असली है अथवा नकली। दिलचस्प व गंभीर तथ्य यह भी है कि चूंकि इस सारे खेल का ताना बाना भाजपा पदाधिकारियों के इर्द गिर्द बुना हुआ है, लिहाजा पुलिस भी बेहद फोंक फोंक कर कदम रख रही है। इस बारे में एसएसपी मेरठ अजय साहनी ने यह जानकारी दी। ये जनपद मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में एसटीएफ और मेरठ पुलिस का एक ज्वाइंट सूचना के आधार पर छापेमारी हुई थी। इसमें करीब 35 करोड़ रुपए के आसपास की एनसीईआरटी की किताबें और छाप प्रिंटिंग की मशीनें बरामद हुई हैं और प्रथम दृष्टया पूछताछ में चीज़ें सामने आई हैं कि यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और आसपास के कई राज्यों में अवैध तरीके से इसकी प्रिंटिंग करके सप्लाई की जाती थी। इसमें करीब 1 दर्जन व्यक्तियों को मौके से हिरासत में लिया गया है। साथ ही जिस स्थान पर इनका गोडाउन था उस गोडाउन को सील कर दिया गया है। जिस स्थान पर प्रिंटिंग होती थी उस प्रिंटिंग वाले स्थान को भी सील कर दिया गया है। और ये जो व्यक्ति जिसके नाम से सचिन गुप्ता है, सारी चीज़ें थी सचिन गुप्ता की तलाश के लिए भी टीमें लगाई गई हैं और इसमें जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस व एसटीएफ की यह बड़ी कार्रवाई वे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, बावजूद इसके प्रकाशन व भाजपा से जुड़े लोग भारी मात्रा में पुस्तकें व उनके कवर जलाने में कामयाब रहे। पार्टी का झंडा लहरा रहा है, लिहाजा सबूत मिटाने की भी भरपूर कोशिश इस प्रकरण में की गई। सूत्रों का यहां तक कहना है कि करीब 15 दिन पहले एनसीईआरटी व दिल्ली पुलिस का एक दल मेरठ आया था। उसने मोहकमपुर, नौचंदी मैदान स्थित ऑफसेट व प्रिंटर्स के साथ ही खट्टा रोड पर बाइंडर्स के ठिकानों पर दबिश डाली थी। बाद में मोहकमपुर स्थित एक ऑफसेट पर बैठकर वार्ता हुई और मामले को रफा दफा कर दिया गया। करीब 7 साल पहले भी पुलिस ने एक शिकायत पर विद्या व चित्रा पब्लिकेशन की नकली किताबें संजीव गुप्ता के ठिकानों से बरामद की थी। यह विवाद भी खासा चर्चा में रहा था। तब भाजपा के कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल का नाम भी खासा चर्चा में आया था। इसके अलावा उत्तराखंड में भी भारी मात्रा में नकली किताबें पकड़ी जा चुकी हैं, लेकिन भाजपा में खासी पकड़ रखने के कारण संजीव गुप्ता ने यह मामला भी दबवा लिया था।
इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।